में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमीन्स ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं दे आर शोन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स ओनली क्योंकि अगर आपको ध्यान हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है ये मैंने जैसे बेंजीन रिंग बनाई है इसमें क्या होता है H+ निकल जाता है उसकी जगह पे आके कोई इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है वो कहाँ अटैक करती है किस पोजीशन पे अटैक करती है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो हो ज्यादा हो तो अगर हम एनिलिन की बात करें जो एनिलिन होता है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्योंकि जो ये जो NH2 ग्रुप होता है इट हैज प्लस आर इफेक्ट और इसका प्लस आर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो जो प्लस आर इफेक्ट होता है अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आप देखेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो ये वाली पैरा हो गई ये हो गई ऑर्थो जितनी भी ऑर्थो या पैरा पोजिशन है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बिकॉज दे हैव माइनस चार्ज तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है वो वहां अटैक करना प्रेफर करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा तो करें तो ऑर्थो और पोजीशन जो है दे आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस एज कंपेयर टू पोजीशन इसलिए ये जो एनलिन aniline होता है इट इज पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ एन ग्रुप और मैंने कहा था अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है तो सीबीएसई की अगर बात करें उसके हिसाब से अगर आप मान लो रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने आ रहे हैं या आपसे कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है स्ट्रक्चर बनाते टाइम तो आप ये मत बनाइए ठीक है आप सिंपल लिख दीजिएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन

रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है ये ये जो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकुशन की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है जैसा कि हमने फिनॉल में भी पढ़ा था कि जो फिनॉल में ये जो ओ एच ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा जुड़ा हो तो ये रिएक्टिविटी जो बेंजीन रिंग की है हमने जो था अल्काइल हेलाइड में जब अराइल हेलाइड किए थे एरोमेटिक एरोमेटिकलाइड किए थे जब एक्स बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो मैंने कहा था कि ये जो एक्स ग्रुप होगा क्लोरो ब्रोमो या आइडो तो ये क्या होता है हालांकि इसमें भी प्लस आर इफेक्ट होता है लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स ग्रुप होता है इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है इस वजह से ये क्या करता है रिएक्टिविटी घटा देता है एज कंपेयर अगर आप इसको कंपेयर करें बेंजीन रिंग से तो बेंजीन रिंग जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है देन हेलो अरिन क्योंकि इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग हो जाता है प्लस आर से तो माइनस आई की वजह से जो रिएक्टिविटी है वो घट जाती है एज कंपेयर टू बेंजीन लेकिन ये जो एन एच टू ग्रुप हो या ऊपर अगर ओ OH एच ग्रुप लगा हो जैसे एनलिन हो या फिनॉल हो इनमें जो रिएक्टिविटी होती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज मोर बिकॉज ऑफ देयर प्लस आर इफेक्ट प्लस आर इनका बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ये जो एनलिन होता है इट इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल तो जब एनएच टू ग्रुप बेनजीन रिंग से जुड़ा होता है तो ये क्या करता है ऑर्थो और, और पैरापोजिशन को ऑर्थो पैरापोजिशन हो गई इसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है इतना एक्टिवेट कर देता है कि नॉर्मली जब रिएक्शन किया जाता है सपोज आप इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है इंस्टेट ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बिकॉज इसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है ऐसा ही फिनॉल में होता है लेकिन फिनॉल में क्या होता है अगर आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं मतलब आप रिएक्शन पोलर मीडियम में करते हैं तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है ना यहाँ पे भी बी आर इधर भी बी आर इधर भी बी आर तो फिनॉल के केस में अगर आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप क्या करें ब्रोमीन वाटर यूज करें और फिनॉल में इसका रीजन भी मैंने बताया था कि अगर पोलर मीडियम होता है ना तो ये जो फिनॉल होता है ये आयोनाइज हो जाता है फिनोक्साइड आयन में और जो फिनोक्साइड आयन होता है ना ये एक्टिविटीज की थोड़ी ज्यादा होती है तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था उसको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि फिनॉल में अगर आप कहें कि मुझे तो मैम मोनो मोनोसब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए मतलब मुझे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल चाहिए या कोई बच्चा कहे मुझे तो ब्रोमो चाहिए मतलब मैं चाहता हूँ कि या तो ऑर्थो बनाऊं या फिर पैरा बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा तो बेटा आपको दोबारा से अगर आप फिनॉल्स देखेंगे अगर पहले तो ये बताओ किसी बच्चे को याद है अगर किसी को याद है तो बता दीजिए नहीं याद तो मैं बता देती हूँ नहीं याद नहीं, फिनॉल से पहले नहीं 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 यहीं पे हाँ अभी मैं बताती हूँ अगर आप देखिए इसीलिए कहते हैं ना कई बार हमने वो किया होता है लेकिन हमें वो चीज समझ नहीं आती तभी मैंने आपको बोला है, पूरी वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए पहले एक वीडियो देखिए फिर दूसरी देखिए तो आपकी रिवीजन हो जाएगी ठीक है दिसंबर के एंड तक आप खत्म कर लीजिए पूरा ऑर्गेनिक अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा मैंने ये कहा था देखिए जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था उसमें मैंने ब्रोमीन के साथ पोलर uh, मीडियम लिया था अब मैं यहाँ पे नॉन पोलर मीडियम यूज़ ठीक है सीएसटू ब्रोमीन इन सी एस टू नॉन पोलर मीडियम में जो इसकी आयोनाइजेशन uh, होगी वो कम हो जाएगी तो नॉन पोलर मीडियम में ठीक है नॉन पोलर मीडियम में पैरा प्लस ऑर्थो बनेगा ऑर्थो जो होगा वो माइनर माउंट में बनेगा पैरा जो होगा वो मेजर में बनेगा तो फिनॉल में क्या होता है ट्राई प्रोडक्ट के लिए हम पोलर मीडियम यूज यूज करते है, वाटर करते हैं हैं और अगर आप मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप नॉन पोलर मीडियम यूज कीजिए ठीक है ये दोबारा आज जाके देख लेना अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको बुक दिखा दूंगी जहां पे ये लिखा है और फिनॉल में एक और क्वेश्चन भी था या ये मुझे अगर ध्यान आ गया मैं बता रही हूँ कि हेलोजिनेशन जब हम करते हैं ना तो हम लुइस एसिड यूज करते हैं तो इसमें लुइस एसिड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी एफ थ्री डालने की जरूरत नहीं पड़ी सिंपल है ब्रोमीन के साथ ही काम हो जाएगा क्यों मैंने ये बताया था बिकॉज ओ एच ग्रुप इज हाइली एक्टिवेटिंग तो ये क्या करेगा ये खुद ही ब्रोमीन की जो आयोनाइजेशन है ना ब्रोमीन मॉलिक्यूल की खुद ही यहाँ पे ये आयोनाइज कर देगा खुद ही ये बी बी आर प्लस ले लेगा ठीक है इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा तो लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है मान लीजिए आप ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ब्रोमीन वाटर यूज करना पड़ेगा ये जो रिएक्शन है ये एज अ डिस्टिंग रिएक्शन भी यूज होता है जब आपके पास एनलिन हो एनलिन को आप मान लीजिए कोई और कंपाउंड है जिसके अंदर यहाँ पे मान लीजिए सपोज सपोज यहाँ पे NO2 लगा हुआ है अब आप इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना क्योंकि इसमें जो ऑर्थो पोजीशन है वो फ्री नहीं है ना तो तब भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ये जो रिएक्शन होता है दिस इज आल्सो गिवन बाय फिनोल अब बारी आती है कि एनिलिन के केस में अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिन एनलिन बनाना चाहते हैं या पैरा ब्रोमो एनलिन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो देखिए पहली बात ये प्रोडक्ट क्यों बना ट्राई सब्सटीट्यूटेड ये इसलिए बना क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या है एक्टिवेटिंग है इसकी वजह से ही बना ना मैम yes, मैं है ना इसी की वजह से अगर मान लो मैं इसकी एक्टिविटी को कम कर दू अब ये एक्टिवेटिंग क्यों है प्लस आर इफेक्ट की वजह से प्लस आर इफेक्ट में होता क्या है ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है ना बेंजीन रिंग को तो मान लीजिए मैं इस एनएच टू ग्रुप की एक्टिविटी को किसी तरीके से कम कर दूं मतलब मैं इसके जो लोन पेयर को पूरी तरह से बेंजीन रिंग को ना देने दूं तो क्या होगा क्या इसकी एक्टिविटी कम कर सकते हैं इस तरीके से बताइए कि एक्टिविटी का मतलब ये है ये एक्टिव क्यों है बिकॉज़ ऑफ़ प्लस आर इफ़ेक्ट क्योंकि ये अपने लोन देता है बेंजीन रिंग को इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन काफी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं तो मैं ये कह रही हूं कि अगर मैं ये जो आपका एनएच टू ग्रुप है इसके ये जो लोन पेयर है अगर मैं इसको कहीं और उलझा दू मतलब ये पूरी तरह से जो लोन पेयर है वो ना दे पाए बेंजीन को तो मैं इसकी एक्टिविटी को कम कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं मैम ठीक है तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो ये कह रहे हैं हम इसकी एक्टिविटी को कम कैसे करेंगे हम क्या करेंगे ये जो एनएच टू ग्रुप है ये अगर आप देखें दिस इज एनएच टू इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखू मैं इसकी एसिटाइलेशन कर दू एसिटाइलेशन दोबारा से देखिएगा ये वर्ड एसीटाइलेशन तो एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है सी एच थ्री सीओ ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना मतलब यहां पे मैं अगर इस ग्रुप की एसिटाइलेशन कर दू यहां का एच हटाकर यहां पे मैं सीओ सी एच थ्री लगा दू तो क्या होगा अब ध्यान से देखिएगा तो ये होगा कि एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेंगे कि जब ये लोन पेयर अपने बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा जिसकी वजह से एक्टिविटी ज्यादा होती है पर यहां पे जो लोन पेयर है वो सिर्फ बेंजीन वाले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे यहां देखिए ध्यान से दे आर इन कॉन्जुगेशन विद सी डबल बॉन्ड ओ मतलब ये जो लोन पेयर है ये कंप्लीटली अवेलेबल तो होंगे बेंजीन रिंग के लिए रेजोनेंस में लेकिन कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होंगे ये क्या होंगे ये दूसरी जगह जो है वो इन्वॉल्व हो रखे हैं रेजोनेंस में विद सीओ बॉन्ड ये दिख रहा है सबको ये दिख रहा है हाँ तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एनएच ग्रुप की एक्टिविटी को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करें अगर आप मतलब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें ये जो एन एच ग्रुप है इसकी एसिटाइलेशन कर दो मतलब इससे ये बना लो NHCOCH3 अब सी एच ये कैसे बनाएंगे इसको बनाया जाता है एनिलिन का रिएक्शन किया जाता है बाय एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड इसको बोलते सी एच थ्री सीओ होल्ड वाइज ओ तो हम क्या करेंगे इसका रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइट से तो हमारी एसिटाइलेशन हो जाएगी और जिसकी वजह से ये जो नया कंपाउंड आएगा इसकी जो एक्टिविटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एनलिन और इस स्टेप को इस स्टेप को ये जो स्टेप आया इसको प्रोटेक्शन भी बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनएच टू ग्रुप को हम क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनएच टूच टू ठीक है तो ये देखिए प्रोटेक्शन हमने कैसे की एसिटाइलेशन से क्यों एसिटाइलेशन से प्रोटेक्शन हुई क्योंकि क्या हुआ लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के दे आल्सो गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद सीओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सो दे आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग एज ए रिजल्ट ये जो एन एच सी एच थ्री ग्रुप आया इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एन एच टू से कम होती है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मोइनो सब्सटीट्यूटेड मिलता है आप देखिए स्टेप देखेंगे तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो एनएच टू ग्रुप मान लो मैं चाहती हूँ मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने कहा है कि एनलिन से आपने ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनाना है ऑर्थो से ऑर्थो ब्रोमो एनलिन बनाना है ठीक है एनलिन बनाना है अब आपने ये बनाना है पहली बात आप ब्रोमीन वाटर यूज नहीं कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे ये डायरेक्ट ब्रोमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं एनोलिन की ठीक है डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ पिरडिन ठीक है पिरेडिन हम यूज करते हैं एसिटिक एंड हाइड्राइट के साथ जब भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो बेस यूज करते हैं एक स्ट्रॉगर बेस यूज करते हैं ये आपको पहले भी बताया था जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा स्ट्रोंगर बेस जो आ, अमीनो ग्रुप से ज्यादा बेसिक हो ठीक है तो पिरीडिन का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हो गया एसिटाइलेशन होगी अब हमने इस एनएच ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया फिर हम क्या करेंगे बेटा ब्रोमिनेशन करेंगे इन नॉन पोलर ये मीडियम तो ये ब्रोमिनेशन हमने की इसकी तो हमें क्या क्या मिलेगा हमें ये पैरा ये पैरा प्रोडक्ट मिला और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ऑर्थो भी मिलेगा इसको ठीक कर लीजिएगा यहाँ पे बी आर है एक ऑर्थो मिलेगा ऑर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारा पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे मान लो ये ना क्वेश्चन कन्वर्जन में आते हैं मान लो कन्वर्जन में आता है आपने ऑर्थो बनाना है तो ऑर्थो दिखा दीजिए बना के पैरा दिखाना है तो पैरा दिखा दीजिए फिर आपने आ, क्या करना है आपको तो बनाना था एन सपोज आपको ये बी बनाना था मतलब आपको टू ब्रोमो एनलिन बनाना था लेकिन यहां पे तो ग्रुप की प्रोटेक्शन हो रखी है तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे इसको डी प्रोटेक्ट कर देंगे ये जो इसकी जो एसिटाइलेशन थी ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसको हटा देंगे यहां से तो इसको कैसे हटाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस की जाती है जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे आप एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं बेसिक भी यूज कर सकते हैं इस तरह से भी लिखा हो सकता है ठीक है तो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम हम करेंगे तो ये जो पेरा ब्रोमो होगा एक मिनट सॉरी तो ये जो आपका जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पेरा ब्रोमो एंडेलिन में जो प्रोडक्ट बना होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमो एनलिन में ये सबको समझ में आ गया और यही सेम स्टेप रहेगा तो एनलिन के जब भी आप रिएक्शन करेंगे यही काम करना पड़ेगा पहले प्रोटेक्शन फिर डी प्रोटेक्शन तभी आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट हैं वो बना सकते हैं ठीक है बेटा ओके मैम ठीक है, okay, okay, है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने ब्रोमिनेशन डिस्कस किया था मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ड्र, ब्रोमिनेशन जब एनलिन की की जाती है ना तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है तो इसलिए हम क्या करते हैं एनलिन ग्रुप गु, को ऊपर जो एनएच टू ग्रुप होता है इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं ठीक है थीके? अब ऐसे ही बेटा हम नाइट्रेशन में भी नाइट्रेशन जब हम करते हैं ना डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हैं अब क्यों नहीं करते हैं वो मैं अभी आपको रीजन बताती हूँ ब्रोमिनेशन का तो मैंने रीजन बता दिया ना कि उसमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है अब नाइट्रेशन भी डायरेक्ट नहीं की जाती है डायरेक्ट नहीं की जाती तो मतलब मैं क्या कह रही हूं ये समझिए कि मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि डायरेक्ट नहीं की जाती है पहले एनएच ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है ठीक है ये जो हमने ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट किया हमने जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ग्रुप होता है ये अमाइड ग्रुप होता है तो एन फिनाइल इथेनामाइड है ये क्योंकि एन से जुड़ा हुआ है ना ये फिनाइल रिंग तो एन फिनाइल दो कार्बन है इथेनामाइड ये है अब पहले हमने क्या किया प्रोटेक्शन करी फिर हमने इसकी नाइट्रेशन करनी है तो जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करते कैसे हैं कंसंट्रेटेड एच थ्री प्लस सल्फ्यूरिक कैसे डालते हैं तो इससे क्या होगा हमें ऑर्थो प्लस पेरा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे मैंने सिर्फ पैरा बनाया हुआ है इसके अलावा आपको ऑर्थो भी मिलेगा ठीक है अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी क्योंकि मुझे यहां पे जो ऊपर मैंने जो एक मिनट फिर एक मिनट बेटा हाँ, अब ये देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखें हमें तो NH2 ग्रुप चाहिए था जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे इस ग्रुप को हटा देंगे यहां से हटाएंगे कैसे बाय हाइड्रोलिसिस तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये दोबारा से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मैंने पैरा बनाया हुआ है दिस इज पैरा नाइट्रो एनलिन इसके अलावा ऑर्थो नाइट्रो एनलिन भी बनेगा दोनों बनेंगे ये कन्वर्जन में यूज होते हैं ज्यादातर ठीक है सबको ये समझ में आ गया कि नाइट्रेशन भी हम डायरेक्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन आता है रीजनिंग का ये मैं बताऊंगी क्यों क्यों नहीं करते हैं डायरेक्ट इतना समझ में आ गया सबको ठीक yes, है अब क्वेश्चन जो मेन आता है ये पेपर में आता है क्वेश्चन ये आता है कि भाई डायरेक्ट नाइट्रेशन एनलिन की क्यों नहीं की जाती है डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं की जाती है वो ध्यान से सुनिएगा अच्छा ये कराने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिए एनएच टू ग्रुप की अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो ये एनओ टू ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है होता है कि नहीं होता है ऐसी अगर एनओ टू ग्रुप की आप रिडक्शन करें तो आप इसको एनएच टू में कन्वर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं ना yes, है, है. अब चलिए अब फिर शुरू अब जो है इसी पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे ये कह रहे हैं एनिलिन की आप डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते हो अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसकी जो रीजनिंग है ना इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी पहले कि डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं कर सकते दो कारण से डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं की जाती पहला कारण क्या होता है कि जो एच हम यूज करने वाले हैं ना एच एन ओ थ्री एज अ रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है तो ये क्या करता है अगर आप एनलिन की मतलब NH2 ग्रुप को बिना प्रोटेक्ट किए हुए इसकी अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करने की कोशिश करें तो ये क्या करता है इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है और आपका ना ब्लैक ब्लैक सा प्रोडक्ट बन जाता है मतलब इट कन्वर्ट इन टू टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ठीक है तो नाइट्रो कंपाउंड्स के अलावा भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाते हैं ठीक है और दूसरी चीज ये आती है कि मान लो कोई बच्चा कहे कि मैं कंट्रोल्ड मैनर में करूं मैं ऑक्सीडेशन ना होने दूं तब भी बेटा क्या होता है अगर क्योंकि देखो नाइट्रेशन के लिए आपको एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ता है जिसके अंदर है, भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है है तो क्या होता स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में जो एनलिन होता है इट गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनलिनियम आयन इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है क्योंकि है तो ये देखा जाए एनलिन एक बेस है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये एनलिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और बेटा जो एनलिनियम आयन होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता होता है जबकि होता है जबकि एनलिन क्या अभी हमने पढ़ा था ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है एनलिन एनलिन की वजह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन क्या होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो जाता है एनलिनियम आयन बना लेता है जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग है तो इसलिए इस कारण से क्या होता है जब हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा के साथ साथ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में वैसे बनता होगा तो थोड़ा बहुत बनता होगा मेटा लेकिन यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में मेटा डेरिवेटिव बन जाता है अब यहां पर देखिए मेटा का कितना परसेंटेज बन रहा है सिग्निफिकेंट मतलब फोर्टी सेवन परसेंट पैरा फिफ्टी वन परसेंट बने और मेटा जो है वो कितना बने फोर्टी सेवन परसेंट ये सबको समझ में आ गया कि दो कारण क्या है एक तो हो गया कि एच एनओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से वी गेट टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू नाइट्रोप्रोडक्ट डेरिवेटिव और दूसरा रीजन ये हो गया कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में जो एनलिन है वो प्रोटोनेट होकर एनलिनियम आयन बनाता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है तो इसलिए ऑर्थो और पैरा के साथ साथ हमें मेटा जो डेरिवेटिव है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है ये समझ में आया मैम ठीक है अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन आता है ये सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है आपसे पूछा जाता है कि जो एनलिन है ये सॉरी एनलिन बना रही हूँ यहाँ पे एन एच टू जो एनलिन है ये तो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन जब इसकी नाइट्रेशन की जाती है जब मैं नाइट्रेशन कह रही हूँ तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन की ही बात कर रही हूँ जब इसकी नाइट्रेशन की जाती है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा डेरिवेटिव क्यों बनता है क्वेश्चन समझ में आया सबको कि एनलिन डायरेक्टिंग है तो फिर मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड क्यों है वो ज्यादा अमाउंट में या सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है पहले क्वेश्चन समझ आ गया yes, ठीक yes, है yes, तो इसका yes, आंसर क्या होगा कि इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम जो एनलिन होगा वो प्रोटोनेट होकर क्या बनाएगा एनलिनियम आयन बनाएगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग है इस कारण से हमें ऑर्थो और डेरिवेटिव के साथ मेटा डेरिवेटिव भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है ठीक है यस yes, मैम नेक्स्ट आता है सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है सल्फोनेशन तो सल्फोनेशन में ये कह रहे हैं कि अगर आप एनिलिन का रिएक्शन पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें एनिलिन में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आपको पता है ये जो एनिलिन है ये बेस है तो ये क्या हो जाता है ये प्रोटोनेट हो जाता है प्रोटोनेट होकर ये बना लेता है एनएच मतलब एनिलीनियम आयन और साथ में बनता है काउंटर आयन एच एस ओ फोर माइनस तो ये देखिए एनलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है लेकिन अगर आप इस सॉल्ट को हीट कर एट 453 टू 473 केल्विन तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फानिलिक एसिड में ये आपका है सल्फानलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाली हूं ये सल्फानेलिक एसिड सबको समझ में आ गया स्ट्रक्चर अब आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए एनएच टू ग्रुप एसिडिक होता है या बेसिक बेसिक और ये एसओ थ्री एच ग्रुप क्या है एसिडिक अब आप खुद सोचिए एक ही कंपाउंड पे एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है तो आपको ध्यान होगा जब हमने बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन किए थे तो उसमें हमने कहा था अमीनो में भी ऐसा ही होता है अमीनो जो एसिड्स होते हैं उनमें बेसिक ग्रुप NH2 भी होता है COH भी होता है तो क्या होता है इसके अंदर ये एसिड है तो ये अपना H+ प्लस दे देगा और किसको देगा अपने ही मॉलिक्यूल में NH2 को तो ये जो कंपाउंड है जो सल्फेनलिक एसिड होता है ये एक्वस मीडियम में ये जो है और वैसे भी ये कैसे एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मैंने ज्विटर आइन यहां गलत बना दिया स्ट्रक्चर यहाँ पे है एसओ थ्री माइनस इसको मैं ठीक कर दूंगी तो ये एसओ थ्री माइनस है ठीक है ये ज्विटर आयन बन गया तो जो सल्फन एसिड है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्यों करता है बिकॉज इसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप जो है सेम मॉलिक्यूल में है और यही कारण है कि जो ज्विटर आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है एक मिनट यहाँ ज्विटर आयन में ना यहाँ पे माइनस तो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसी वजह से जो सल्फेलिक एसिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और ये जो सल्फेलिक एसिड होता है इट इज प्रैक्टिकली इनसोलबल इन वॉटर एंड ऑर्गेनिक सोल्वेंट क्योंकि देखिए प्लस और माइनस चार्ज एक ही मॉलिक्यूल पे आ गया है ना तो ये मॉलिक्यूल के एक किनारे पे प्लस चार्ज है दूसरे किनारे पे माइनस चार्ज है तो अगर आप खुद देखिए ऐसे ही ये मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा एक किनारे पे प्लस और एक पे माइनस तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बाइंड हो जाएंगे और घुलेंगे नहीं अलग अलग नहीं होंगे ठीक है ठीक yes, है अब बेटा एक मुझे क्वेश्चन मिला था यहाँ से एक बुक में वो देख लीजिए ये कह रहे हैं जो सल्फनिलिक एसिड होते हैं ना वो डिल्यूट एन में घुल जाते हैं पर एसिड में नहीं घुलते हैं ऐसा क्यों ये मुझे ना एक क्वेश्चन दिखाता है लिखा है ऑल इंडिया पेपर 2004 में जो है आया था ये क्वेश्चन तो इसका रीजन क्या है अब पहले ध्यान से सुनिएगा तो बेटा सल्फेलिक एसिड जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ज्विटर की फॉर्म में तो क्या होता है जब इसमें एन डाला जाता है तो बेटा जो एनएच अच्छा इसमें दोबारा से इसी कंपाउंड में जाइए अगर आप ध्यान से इस एनएच टू ग्रुप को देखें ये कौन से बेस से बना है एनएच टू से मतलब अगर ये आपका ये बेस है तो ये जो एनएच थ्री प्लस है ये इसका क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड मतलब yeah. है ना ये कॉन्जुगेट एसिड होगा क्योंकि ये प्रोटोन दे सकता है तो ये कह रहे हैं ये जो अगर बेस अगर आपका बेस वीक है तो एसिड क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रोंग होता है स्ट्रॉन्ग होता है है ना तो यहाँ पे ये मैं दोबारा से कंसेप्ट बता देती हूँ एक अमोनिया का एग्जाम्पल बता देती हूँ देखिए अमोनिया क्या होता है जब आप इसे पानी में घोलते हो तो ये बेस का, का काम करता है uh, तो यहाँ पे ये NH4+ और OH- बनता है तो ये खुद बेस है तो इससे इसने जब प्रोटॉन ले लिया तो ये जो चीज बनती है ये बनता है कॉन्जुगेट एसिड अगर बेस ये इलेवेंथ में भी बताया था अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो वीक होता है अगर बेस वीक है तो उसका जो एसिड होता है वो स्ट्रांग होता है तो अगर आप लेके एसिड की बात करें तो ये जो NH3 ग्रुप आया है NH3 प्लस ग्रुप ये आया है वीक किससे आया है वीक से बेस, बेस, बेस से. वीक बेस से बना है तो ये एसिड क्या होगा इस ग्रुप में एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी तो जब आप इसमें एक बेस डालेंगे तो ये क्या करेगा अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से एक मिनट या मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ तो ये खुद बन जाएगा एन और ये बन जाएगा एसओ थ्री माइनस अब आप खुद सोचो सारे ही जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर माइनस चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे पानी में आराम से घुल जाएंगे इनमें रिपल्शन होगी तो ये जुड़ेंगे नहीं दोबारा से बाइंड नहीं होंगे सॉलिड नहीं बनाएंगे यंग ठीक है तो अब ये क्या हो जाएगा एनएच में घुल जाएगा ठीक है लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर आप इसको एच सी एल में घोलते हैं अब बेटा एच सी एल क्या है एक एसिड है अगर आप सल्फनलिक एसिड को इसका ज्विटर आयन मैं बना रही हूं क्योंकि एसिड तो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कह रहे हैं अगर आप इसमें एसिड डालें तो बेटा एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड या बेस के साथ ये एसिड है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेस, बेस के, के साथ. साथ और इन दोनों ग्रुप में ये वाले में और ये वाले में कौन बेस है एसओ थ्री, थ्री क्योंकि ये एसिड से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है पर ये कौन से एसिड से बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से तो ये जो बेस होगा जो प्रोटॉन लेगा ये वीक होगा तो ये जो है HCl से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ये एस में घुलेगा ही नहीं ठीक है तो ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि SO3 थ्री माइनस ग्रुप एक वीक बेस होता है इट डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एच सी एल टू फॉर्म दिस कंपाउंड ठीक है ये वाला कंपाउंड दोबारा बना देती हूं वो ये कंपाउंड नहीं बनाएगा कि एसओ थ्री जो है माइनस वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो ये कंपाउंड बनाएगा ही नहीं तो तो ये एस में डिजोल्व ही नहीं करेगा ठीक है बेटा ओके मैम मैम यस अब एक क्वेश्चन आता है कह रहे हैं जो अमीन होते हैं दे आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू अल्कोहल तो बेटा बेस कौन होता है यहां पे अगर हम अमीन की बात कर रहे हैं तो अमीन बेसिक क्यों है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है अब एक बात बताओ जो लालची बंदा होगा वो कोई चीज देगा या जो तो कम लालची होगा कम लालची अब बेटा यहाँ पे देने हाँ जो कम लालची होगा वो देगा अब आप अगर कंपेयर करें अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ये अमीन के नाइट्रोजन के पास भी अब आप बताइए अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में बात करूं अब आप बताइए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 हाँ तो जब ऑक्सीजन ज्यादा लालची है तो ये अपने प्रोटॉन डोनेट नहीं, नहीं करता नहीं, है उतनी आसानी आसानी से इतनी से नाइट्रोजन करेगा ये समझ में आ गया yes, yes, ये तो बेटा तो ये हो. देखो इसमें हाँ तो यही कह रहे हैं नाइट्रोजन बींग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर विलिंग वो ज्यादा विलिंग है टू डोनेट द लोन पेयर देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम और दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मान लो प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर ले तो जो अमीन जब प्रोटोन एक्सेप्ट करता है तो अमोनियम सॉल्ट बनता है है ना सब्सटिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनता है जैसे ये अल्काइल अमोनियम सॉल्ट बना है अमोनियम आयन बन रहा है और ये अगर अल्कोहल डोनेट कर एक्सेप्ट करे ना प्रोटोन तो ये ऑग्जोनियम आयन बनाता है तो ये कह रहे हैं कि जो आपका जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अब आप खुद बताइए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो जो है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस चार्ज जो है जल्दी अकोमोडेट नहीं कर पाएगा ज्यादा देर वो रख नहीं पाएगा क्योंकि वो लालची है वो थोड़े थोड़े देर के लिए अच्छा बन सकता है उससे ज्यादा थोड़ी ना तो इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये जो अमोनियम सॉल्ट होता है जो बनेगा इट विल बी मोर स्टेबल तो इसलिए जो है ये जो हैं ये ज्यादा बेटर तरीके से प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और इनमें बेसिक करेक्टर जो होंगे ज्यादा होंगे ठीक है ओके okay, मैम अब लास्ट चीज आती है वो आती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो इस ये लास्ट क्वेश्चन है असल में ये कह रहे हैं एनलिन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन किसे बोलते हैं आपने देखा था बेंजीन में का रिएक्शन अगर मैं अल्काइल हेलाइड के साथ करूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अलुमिनियम क्लोराइड तो अल्काइलेशन हो जाती है बेंजीन से आर ग्रुप आके लग जाता है ये कहलाता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन आर सीओ सी एल सी के साथ करूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड तो क्या होता है असाइलेशन हो जाती है और बेंजीन रिंग से जो है सीओ आर ग्रुप जो है वो लग जाता है तो इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनलिन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है क्यों नहीं होता है इसका कारण समझिएगा ये कह रहे हैं क्योंकि जो एनलिन है इसके पास है लोन पेयर नाइट्रोजन के पास